बंधन आने वाला है। इस शुभ अवसर पर एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके साथ साथ मिठाई भी खिलाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं वही मिठाई पर थोड़ा अलग, जिसका नाम है चने दाल की बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं चने दाल की बर्फी। नमस्कार दोस्तों, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कप चने के दाल लेंगे। इसे 4 घंटा पानी में भिगोकर रख देंगे ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। 4 घंटे के बाद दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इन्हें छन्ना में छान लेंगे। दाल को हमने छान लिया है, अब चलेंगे इसको फ्राई करने। दाल फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाए गैस को मीडियम कर देंगे और छानी हुई दाल पैन में डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। घी के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों, जब तक दाल फ्राई हो रही है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारे तरीके से बर्फी बनाएंगे तो आपकी दाल की बर्फी परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हमें इन्हें फ्राई करने में 6 से 7 मिनट समय लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, पैन को नीचे उतार कर दाल को ठंडा होने देंगे। देखिए, दाल पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इन्हें मिक्सर के जार में डालकर बारीक पीसकर पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पीस चुका है। अब हम चलेंगे गैस की ओर। बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 गिलास दूध पैन में डालेंगे, साथ ही 1 कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। आप चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। जब चीनी अच्छे से घुल जाए अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और तैयार किया हुआ दाल का पाउडर डालेंगे। के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद बर्फी और टेस्टी बने उसके लिए इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट, साथ ही 1 टेबल स्पून घी। अब आखिरी में खुशबू और टेस्ट बढ़ाने के लिए 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बर्फी के मावा को मीडियम आंच पर चलाते रहे ताकि मार्के जैसा टेस्ट आए। ये देखिए, बर्फी के लिए मिश्रण बनकर तैयार है। इनको तैयार करने में लगभग 5 मिनट समय लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और बर्फी के लिए प्लेट तैयार करेंगे। अब हम बर्फी जमाने के लिए सबसे पहले 1 प्लेट ली है। इसके अंदर थोड़ा घी लगाकर अच्छे से फैला देंगे। बर्फी जमाने के लिए आप ट्रे भी ले सकते हैं। अब हम तैयार किए हुए मिश्रण को प्लेट में डालकर इनको अच्छे से फैला देंगे। हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। मार्के जैसा लुक लाने के लिए ऊपर से बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट डालेंगे। स्पून से प्रेस कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे 7
घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप खुले में भी रख सकते हैं। 7 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसे बर्फी के आकार में काट लेंगे। ये देखिए स्वादिष्ट चने दाल की बर्फी बनकर तैयार है। इसे आप अपने भाई बहन के साथ खाइए और रक्षाबंधन अच्छे से मनाइए। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मीना की रसोई को। हम मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।